हेलो स्टूडेंट्स, आइडल एजुकेशन फॉर ऑनलाइन एजुकेशन क्लास 11 चैप्टर 8 रेडॉक्स पार्ट 6 है। पिछले पार्ट में जो फिफ्थ पार्ट था उसमें अपन ने पढ़ा था ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कैसे करते हैं, किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एटम होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड किया जाता है। इस पार्ट में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीडेशन नंबर की क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या उसके यूज है, क्या बेनिफिट है, कि हमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या बताता है। तो देखिए, एसिडिक स्ट्रेंथ यानी अम्ल की सामर्थ्य क्या है। देखिए, एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे मैंने लिखा है कुछ एग्जांपल HClO4, HClO3, HClO2, HClO, यहां पे Cl का ऑक्सीडेशन नंबर है +7, यहां पे +5, इसमें +3 और इसमें +1 ऑक्सीडेशन नंबर है। तो ऑर्डर देखिए आप, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ वाला होगा, ठीक है ना। फिर ये कम हो जाएगा, ये और कम हो जाएगा, और ये और कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। सेकेंड इसकी जो एप्लीकेशन है वो है बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ में देखिए, यहां पे एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल ही लोगे, फिफ्थ पार्ट में मैंने बता दिया था एक्स मान के। कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +2। NaOH सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +1 इन कंपाउंड्स में। तो यहां पे आप देख सकते हो लेस देन, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होती जा रही है। कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर से हम ये बता सकते हैं कि वो कितना ज्यादा एसिडिक है, वो कितना ज्यादा बेसिक है। कंपेयर कर सकते हैं दो कंपाउंड को आपस में, कि दो कंपाउंड्स में कह दिया जाए कि HClO4 और HClO3 में से कौन ज्यादा एसिडिक है। तो हम Cl का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा वो ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ वाला होगा। इसी टाइप से अगर बेस आपको दे दिया जाए, कोई दो बेस दे दें आपको कंपाउंड में, तो उन कंपाउंड को पूछा जाए कि किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो आप उस कंपाउंड में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे उसके बाद में हमें पता चलेगा कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम है वो उतना ही ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ वाला है। यहां उल्टा हो जाएगा क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, ऑक्सीडेशन नंबर के, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ऑक्सीडेशन नंबर की। नेक्स्ट पार्ट में हम रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे। देखिए, जो हीट एंड ट्रायल मेथड था वो जा चुका है, यहां पे हम बात करेंगे एक नए मेथड की, कि रेडॉक्स रिएक्शन को किस टाइप से बैलेंस किया जाता है। दो मेथड है, एक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट और एक है ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, ठीक है। दोनों ही मेथड की बात करेंगे, एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी।